खबर बेगूसराय से है, जहां पर पूर्व विधायक स्वर्गीय उत्तम यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा एवं सामाजिक चिंतक भी थे। भले ही आर्थिक स्थिति में कमजोर थे, लेकिन एक जांबाज राजद के कार्यकर्ता थे, जिसके कारण चाय बेचते हुए विधानसभा तक पहुंचे। उक्त बातें रविवार को उच्च विद्यालय बनवारीपुर के प्रांगण में पूर्व विधायक स्वर्गीय उत्तम यादव की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए चेरिया बरियारपुर विधायक राजवंशी महतो ने कहा। उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच उत्तम यादव नहीं है, मगर उनकी यादें आज भी मेरे जहन में है। वहीं पूर्व एमएलसी एवं राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर तनवीर हसन ने कहा कि उत्तम यादव राजद के कर्मठ कार्यकर्ता थे एवं समाज के अंतिम पायदान तक जीवन जीने वाले लोगों के चिंतक थे। बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, ऐसे साथी का हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। आत्मीय पुण्यतिथि, साथ में उत्तम भाई का जो पुण्यतिथि आज हम मना रहे हैं, ऐसे पुण्यतिथि में अब आज देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्तम भाई के समय के साथ बहुत से मौजूद। मुझे खुशी है कि आपको अभी भी उत्तम भाई याद है और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सही साथी उपस्थित। उत्तम जी, बेगूसराय से चंदन शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां पर NH पार करने के दौरान एक व्यक्ति को गैस टैंकर से बुरी तरह कुचल दिया। घटना रविवार दोपहर नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक के समीप की है। मृतक की पहचान साकतरैया निवासी करीबन 60 वर्षीय मोहम्मद मतीम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है मुफस्सिल थाना के साकतरैया गाँव निवासी मोहम्मद मतीम अपने घर से बरौनी दवा लेने जा रहे थे कि मतीम ठेला चलाकर परिवार की गुजर बसर किया करते थे। बरौनी जाने के दौरान बेगूसराय में ई रिक्शा से उतरकर वह NH पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित गैस टैंकर के नीचे दब गए, जिससे की मौके पर ही मौत हो गई। बेगूसराय से चंदन शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।